पटना में होने वाली जनविश्वास महारैली की तैयारी में जुटा हुआ है। आरजेडी ऑफिस से लेकर कई जगहों पर आरजेडी की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा का आज समापन हो रहा है। आज देर रात तेजस्वी यादव अपने रथ के साथ मोकामा बार होते हुए पटना पहुंचेंगे और इसके बाद जो है जनविश्वास जो महारैली होनी है उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए पूरा पटना जो है वो पोस्टर बैनर से जो है वो पटा दिया गया है। आरजेडी के कार्यकर्ता नेता सभी जो है वो पूरे तौर पे ये पोस्टर लगा रहे हैं और पोस्टर में जो बातें लिखी गई है वो थोड़ा उस पर नजर डाल लीजिए कि हे तेजस्वी वह नाम जिसे हर लोग समादार करता है, वर्कर जिनके पद चिन्हों को ऊपर अंकित कर लेता है तेजस्वी वह नाम समय की करवट का अंगड़ाई का भूचाल भवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। तो ये देखिए इस तरह से स्लोगन देख करके अलग अलग पोस्टर बैनर जो है वो लगाए जा रहे हैं और ये तस्वीर ये कह सकते हैं कि नज़ारा सिर्फ पटना ही नहीं पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जो है वो नज़र आ रही है। बात हम आरजेडी कार्यालय के समीप की करें तो देखिए यहाँ पे भव्य जो है तोरण द्वार भी बना दिया गया है जिसमें लालू प्रसाद यादव जो हैं नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी वो हैं, सीताराम येचुरी हैं और तमाम जो लेफ्ट के नेता हैं वो भी हैं, राबड़ी देवी हैं, जगदानंद सिंह हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, तमाम लोगों को जगह दी गई है। और कहें तो यहाँ पे जो तस्वीर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि आरजेडी जो है वो पूरे तौर पर जनविश्वास महारैली में जुटी हुई है और इस महारैली को सफल बनाने में जो है अन्य जो पार्टियां हैं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस लेफ्ट की तमाम पार्टियां जो है वो भी कसरत करते हुए नजर आ रही है। और ये देखिए ये पोस्टर जनविश्वास महारैली का जले के बाद करे के बाद लड़े के बाद जीते के बाद लालू जी के वचन के खातिर तेजस्वी संघ चले के बाद ये पोस्टर जो है विजय कुमार उर्फ लल्लू गोप के द्वारा लगाया गया है। और कहें तो इस महारैली के जरिए जो है विपक्ष महागठबंधन जो है वो बिहार में लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी करने वाली है ऐसा कहा जा रहा है और तेजस्वी इस महारैली का नेतृत्व करने वाले हैं। आज देर रात पटना पहुंचेंगे और कल अपने नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद 3 तारीख को जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये महारैली होने वाली है जनविश्वास महारैली उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि विपक्ष का यह रैली जो है वो कितना कारगर साबित होता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।